द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को आज सॉल्व करेंगे, जो कि समांतर श्रेणी अध्याय है और इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दे दिया गया है, इससे प्रथम 4 पद निकालना है। ये क्वेश्चन दूसरा, ए बराबर दे दिया गया है -2, डी बराबर दे दिया गया 0, इससे आपको प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, 4 पद निकालना है। ये तीसरा सवाल, ये चौथा और ये पांचवा। 5 सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो आसान, बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए क्या ए बराबर दे दे, क्या कह रहा है कि ए पी के प्रथम 4 पद ए दे दिया और डी दे दिया है। क्या पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन यहीं पर है ये, तो इसी पर इसी के सामने से सॉल्व कर देते हैं। तो पहला पद तो दिया ही हुआ है, तो मतलब ए वन दिया हुआ है। ए वन बराबर कितना, ए वन बराबर 10 हो गया। ठीक है, और डी आपको दिया ही हुआ है 10, तो ए टू बराबर क्या होगा, ए टू बराबर हो जाएगा क्या, ए वन में आप जोड़ लेंगे डी, तो कितना आ गया, ए वन आपका 10 है और डी को जोड़ेंगे 10, तो कितना हो गया, 20 आ गया, 20। अब ए थ्री निकालना है, ए थ्री है ना, ए थ्री निकालना है, तो क्या करेंगे, ए टू में, ए टू में केवल डी को जोड़ना है, बिल्कुल आसान है। तो ए टू आपको कितना दिया, 20, और डी कितना, सब के लिए डी सार्वंतर बराबर होता है ना, तो डी तो कितना हो गया, 30 हो गया। प्रथम पद भी निकल गया, दूसरा पद भी निकल गया, तीसरा पद भी निकल गया, चौथा पद में क्या करेंगे, चौथा पद में करेंगे हम ए थ्री, जो ए थ्री निकाले हैं उसमें फिर डी जोड़ लेंगे। ऐसा करते कितना भी पद आप निकाल सकते हैं, डी जोड़ते जाना है। तो कितना ए थ्री में, कितना है ए थ्री में आप निकाले 30 और डी को जोड़ना है 10, तो कितना हो गया, 40। तो यही आपका 4 पद हो गया, क्या, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और एक पद ये हो गया, और एक पद ये हो गया। बिल्कुल आसान है, एक एक समाप्त हो गया, 1 नंबर समाप्त। अब 2 नंबर को यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ केवल लिख देते हैं। ए बराबर दिया कितना, ए बराबर दे दिया है -2 और डी बराबर दे दिया है 0। ठीक है, इसके द्वारा हमें निकालना है कि प्रथम 4 पद निकालना है, एपी का 4 पद, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद ही निकालना है। तो पहला तो ए दिया हुआ ही होगा, ए वन, तो ए वन कितना हुआ, -2 हो गया। अब ए टू में क्या करेंगे, ए टू में क्या कर, ए टू निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए वन में जोड़ लेना है कितना, डी को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, ए वन आपका -2 है, ए वन कितना है -2 और डी है 0, तो हो जाएगा कितना, -2 ही हो। ए थ्री कितना निकलेगा, ए थ्री देखिए एक बार, ए थ्री में क्या हो जाएगा, ए टू में जो फिर जोड़ लेंगे, डी को जोड़ेंगे, तो ए टू हम निकाले कितना, -2 फिर 0 जोड़ेंगे, तो कितना होगा, -2 ही हो। यहाँ तक स्पष्ट है, अब हम यहाँ से कर लेते हैं। पहले तो हम स्पेस बना लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, ए थ्री तो निकाल लिए, अब है आपका ए फोर निकाल लेंगे। तो ए फोर बराबर क्या होगा, ए थ्री में जोड़ लेंगे फिर डी, तो क्या हो जाएगा, ए थ्री देखिए, ए थ्री निकाले कितना, -2, तो -2 जोड़ फिर 0 बराबर कितना हो गया, -2, तो क्या हो गया आपका, ये आपका दूसरा के लिए देखिए, प्रथम 4 पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि -2 सब -2 ही हुआ। ठीक है, अब तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं, तीसरा नंबर को।
बिल्कुल आसान है ये। तीसरे नंबर में क्या दिया, ए बराबर दे दिया आपको 4 और डी बराबर दे दिया आपका माइनस का 3, ठीक ना। तो कह रहा ए पी के प्रथम चार पद ऐसे लिख सकते हैं कि ए पी दी गई संख्या, ए पी के प्रथम चार पद लिख सकते हैं ऐसे भी, ए पी के प्रथम चार पद। तो पहला पद तो ए वन जो होगा यही ए होगा, तो ए हो 4 हो गया, ठीक है यहाँ तक। फिर ए टू निकाल लेंगे तो ए टू बराबर क्या होगा, ए वन और जो डी जोड़ लेंगे, यही जोड़ेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहीं से लिख देते हैं या ऐसे कर लेते हैं, यहीं से कितना आ जाएगा, ए वन आपका है 4 और जोड़ डी का मान कितना, डी का मान माइनस का 3 है। अब देखिए 4 में से अब इसको ऐसे कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, 4 माइनस प्लस इनटू माइनस, तो माइनस ही होगा, तो माइनस 3 बराबर कितना निकला, 1 निकला। यानी ए टू निकला कितना, ए टू निकला 1, ए थ्री निकाल लीजिए, तो ए थ्री में क्या करेंगे, ए टू में जोड़ेंगे डी, तो ए टू कितना, ए टू निकाल लें 1 और जोड़ डी कितना, डी आपका कितना माइनस का 3, तो माइनस का 3 ऐसे करके लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर गौर से यहाँ पर 1 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 3, 1 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 में से ही घटाएंगे, तो कितना आ गया माइनस का 2। तो एक मान आपका निकला ये 4, ए टू का मान निकला आपका 1 और ए थ्री का मान निकला माइनस 2, ए टू का मान, ए थ्री का मान निकला माइनस 2। तो हम निकाल लेंगे क्या चीज़, ए फोर भी निकाल लीजिए, ए फोर बराबर क्या, ए थ्री और जो डी, तो कितना ए थ्री कितना हो गया, ए थ्री आपका माइनस का 2 है और प्लस डी का मान कितना, डी का मान माइनस का 3 है, तो यहाँ भी माइनस का 3 हो गया, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर देखिए यहाँ से लिख देते हैं, आगे से यहाँ से स्पेस कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, बराबर का हो जाएगा। देखिए दो ऋणात्मक, जो दो ऋणात्मक पूर्णांक को जो जोड़ते हैं ना, तो ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, जोड़ लेते हैं 3 2 5, ऐसे भी लिख सकते हैं आप माइनस का 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस बराबर माइनस में कितना होगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो बराबर कितना निकल गया आपका माइनस का 5। तो इस प्रकार से आपको क्या क्या निकला, तीसरा में आपका क्या मान निकला, तीसरा में मान निकला 4 1 माइनस 2, और पहला में तो 4 ए 1 हो गया, दूसरा में आप निकाले 1, तीसरा में माइनस 2 और चौथा में यहाँ पर माइनस 5, तीसरा भी समाप्त हो गया। 4 में देखिए, 4 में क्या कह रहा है, 4 में दिया हुआ है ए बराबर आपको दे दिया है कितना माइनस 1 और डी बराबर आपको दे दिया गया है 1/2, ये मान आपको दे दिया गया है, और इसके द्वारा आपको निकालना है प्रथम ए पी के प्रथम चार पद, लिख देंगे यहाँ पर ए पी के प्रथम चार पद क्या क्या होगा। नहीं देखिए एक बार, अब देखिए ए तो हो जाएगा, ए वन ही ए होता है, ए वन बराबर यही है, तो माइनस का 1, देख तो मान निकल गया। अब है ए टू निकालना है, तो ए वन प्लस डी जोड़ेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, ए वन निकाले हैं माइनस 1 है ही, अब प्लस डी का मान हम क्या करेंगे, आधा को जोड़ेंगे 1/2, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 लिखेंगे 2, तो कितना माइनस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 1, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा देखिए, बराबर हो जाएगा कितना, 1 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, गौर से देखिए माइनस 1/2 होगा,
कैसे किए? ये भिन्न का जोड़ ये दो लघुत्तम हुआ तो एक नहीं कुछ नीचे में रहता तो मैं समझिए एक, तो एक दूना दो, दो में फिर एक से गुना किए तो माइनस दो हो गया, प्लस दो इकाई दो एक से कट लगाए भागा, फिर एक से एक में गुना किए तो एक आया, तो क्या किए दो में से माइनस दो में से प्लस वन, प्लस वन है तो कितना आ गया माइनस वन बाई टू हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम ए थ्री निकाल लेंगे तो ए थ्री बराबर क्या होगा, ए टू में जोड़ लेंगे हम डी, तो ए टू कितना, ए टू माइनस का एक बट्टा दो और जोड़ डी का मान, देखिए डी का मान कितना एक बट्टा दो, तो एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया तो वैसे ही हो गया कि जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ए टू का मान, ए टू का मान निकाले माइनस वन बाई टू, जो डी का मान वन बाई टू है तो एक प्लस का एक माइनस का तो वैसे ही हो जाएगा। और ए फोर निकाल लेते हैं हम, ए फोर, ए फोर बराबर क्या हो जाएगा, ए फोर देखिए, ए फोर, ए फोर को थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, ए फोर निकाल लेंगे, ए फोर क्या हो जाएगा ए थ्री प्लस कितना, ए थ्री प्लस डी बराबर हो जाएगा, ए थ्री आपका है कितना निकाले जीरो और प्लस डी है वन बाई टू बराबर, तो वन बाई टू ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका निकला ए वन माइनस वन, ए टू निकला आपका माइनस वन बाई टू, ए थ्री निकला जीरो और ए फोर निकला वन बाई टू, जो कि ए पी के प्रथम चार पद हुआ। देखिए एक बार,